गाइस देख सकते हो यार, आज हमारे गांव में बंदर आया है, ब्लैक कलर वाला, ब्लैक मुंह वाला। देख सकते हो अभी बाटी डाली है इसको खाने के लिए, क्योंकि कल महाशिवरात्रि थी। गाइस अब आगे जो मैं मोर दिखाऊंगा वो मोगियों ने पाले हुए हैं। गाइस एक्चुअली में ये मोर पाले हुए हैं, पर आप ऐसा कुछ मत करना पालने की कोशिश, वरना भाई बुरा भी हो सकता है, क्योंकि ये बैन है इंडिया में पालना। तो राम राम जी सभी भाइयों को, मैं आपका भाई दीक्षांत और आप देख रहे हो डीएसटी पेट व्लॉग्स। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स दोनों हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो गाइज मैं अभी सारे काम से फ्री हो गया हूँ, अपने जो नहाने धोने का जो भी काम होता है वो उससे फ्री हो चुका हूँ। एमी सेरा को भी अभी मैंने खाना डाला है, तो ये खा के फ्री हुए हैं और अब सेटअप की तरफ जा रहा हूँ। और वैसे अब पहले जितने जानवर वगैरह भी नहीं रहे और थोड़े कम भी कर दिए हैं। ये गाइज देख सकते हो कैल्शियम बोन लाई हुई है मैंने, तो सेरा उसको खा रहा है और खाना इनको डाल दिया था मैंने, तो इसने तो थोड़ा सा खाया है, उसने खा भी लिया है। और अब यही वेट करते हैं कि मैं इनको दिन भर यहाँ खुला छोड़ूँ, क्योंकि रात को मैं यहाँ खुला छोड़ देता हूँ, इस वजह से ये चाहते हैं कि मैं दिन भर इनको यहाँ खुला छोड़ दूँ, पर गाइस नहीं छोड़ सकते। और ये देख सकते हो आप, मैंने ये इधर खिड़की वगैरह भी काम चल रहा है, यहाँ तो प्लस्तर हो गया है पर इस जगह पर रह रहा है, इसलिए मैंने ये चद्दर वगैरह और नीचे एडजस्ट किया हुआ है, ताकि अपने डॉग्स बाहर नहीं निकल पाए और कोई दूसरा डॉग अंदर ना आ पाए। तो गाइस सेटअप की तरफ चलते हैं, अपना सेटअप वो देख सकते हो वहाँ पर पीछे। गाइस अभी मुर्गा मुर्गी मैंने खोल दिए हैं, दाना वगैरह डाल दिया है, पानी डाला था इसने डोल दिया, खैर कोई नहीं। ये कबूतर भी आ गए गाइस यहाँ पर, यार गाइस ये कबूतर भी बाहर आ गए हैं, ये मुर्गा मारेगा इनको, अंदर जुड़ते हैं। और गाइस दोनों मुर्गियों के अंडे मैंने उठा लिए हैं, इनको यहाँ पर रख देते हैं, बस कबूतर वगैरह ना तोड़ दे इनको। और गाइज आपको याद होगा मैं बड़े बजीज लाया था, नौ बजीज लाया था, दो बच्चे भी हो गए थे, तो कुल मिला के अपने पास 11 बजीज हो गए थे, लेकिन गाइज सब मर गए हैं। और अभी ओनली अपने पास 6 बजीज है, आप देख सकते हो दो 4, एक 5 और एक वहाँ पर है, उसको मारा है, उसके सिर में भी थोड़ा गड्ढा वगैरह हो गया है, इस वजह से उसको मैंने सेपरेट अलग किया है। और दाना पानी रखा हुआ है इनके, उसके भी पानी रखना बाकी है, उसको पानी रखते हैं और फिर कबूतर खोलते हैं। गाइस कबूतर वगैरह खोल रखे हैं, ये रिंगने के देख सकते हो अपना मीठू, और कबूतर वगैरह आधे कबूतर अंदर चले गए हैं। गाइस इनको भी चुगने के लिए खोला था, अभी जाके अंडों पर बैठ गए हैं, और इनको भी नीम के पत्ते डाले थे सुबह, तो चारा ला के डालते हैं। बजीज के तो है दाना पानी, और आप देख सकते हो पट्टे बैठे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ एक मुर्गी ये है और एक ये। गाइज मैंने यहाँ से थोड़ी लोकेशन चेंज कर दी है, क्योंकि मुर्गा मुर्गी उधर जाते हैं, तो अब इधर खोले छोड़ेंगे इनको। और ये देखो, और पौधों की भी हालत ख़राब है गाइज, काफ़ी दिनों से किसी भी पौधे में मैंने पानी नहीं डाला है। और ये देख सकते हो सामने कबूतर, ये वो बाजरा कबूतर गाइज जो नया लेके आए थे, पर खोल दिए हैं तो गुट कर रहा है, देखो गुटक रहा है गाइज, अब ये जोड़ पकड़ ले, बस यही चाहता हूँ मैं। तो गाइस सफाई वगैरह कर दी है यहाँ की, देख सकते हैं यहाँ पे एकदम क्लीन हो गया है। और ये देखो कबूतरों को दाना खिला दिया, पर फिर भी मानते नहीं है गाइस। मैं ये मानता हूँ गोले कबूतर तो पालना ही नहीं चाहिए, अगर आप कबूतर पालना चाहते हो, कबूतरबाजी करना चाहते हो, या तो हाई फ्लायर पालो या फिर टोटली फैंसी पालो, जैसे मसक्कली, जेकोबिन, पाउटर वगैरह, पर ये गोले कबूतर मत पालना गाइस। एक तो ये भाग जाते हैं जल्दी से, घर पे टिकते भी नहीं है। और देसी कबूतर को पालना, इसको पालना सेम है गाइस, कोई फर्क नहीं है इस दोनों में, देख सकते हो आप कमरे की हालत भी देख सकते हो, अभी 7-8 दिन पहले सफाई की थी। ये देखो गाइस सीटी बजा रहा है मीठू, देख रहे हो गाइस सीटी बजा रहा था ना, अभी थोड़ा थोड़ा बजाता है गाइज, अभी बच्चा है, एडल्ट होने जा रहा है। अब देख लो गाइज ये अगले महीने में साल भर का हो जाएगा। और ये देखो अपने पास दो ही खरगोश बचे हैं, ये एक तो बच्चा है गाइज,
इसका पता नहीं मेल है फीमेल है, अभी देखता हूँ मैं। और ये फीमेल इसी का बच्चा है गाइस जी, इनके लिए भी घास लेके आता हूँ मैं। गाइस एमी सेरा बहुत चिल्ला रहे हैं, शाम का टाइम भी हो गया है, तो एक बार तो अभी खाना दूंगा, एक बार बाद में दूंगा। तो अभी देख सकते हो दलिये में पेडिग्री डाला है और मिक्स कर दिया, अभी उनको रखते हैं। गाइस अभी ये खा लेंगे। गंदा हो गया है गाइस, कल इसको नहलाऊंगा मैं इन दोनों को, क्योंकि यहाँ पे रहते हैं ना गाइस, आप देख सकते हैं नमी है, क्योंकि अभी इसका तराई पानी डाला था दीवार के ऊपर इस वजह से।